इतिहाद बिल्डकॉन लाया है कल्याणशील का सबसे लग्जरियस और एमिनिटीज से भरपूर प्रोजेक्ट एसके वैली। कोई भी घर लेने से पहले सोचता है उसे हर सुविधा उपलब्ध हो, और एसके वैली आपको देता है कंप्लीट लाइफस्टाइल, कनेक्टिविटी से लेके लग्जरियस एमिनिटीज जैसे क्लब हाउस, बच्चों के खेलने की जगह, बड़े बुजुर्गों के लिए पार्क, स्विमिंग पूल और डेजिग्नेटेड प्रेयर हाउस। एसके वैली में आपको घर नहीं, एक कंप्लीट प्रीमियम लाइफस्टाइल मिलेगी। एसके वैली प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। चार माह में ईडी का राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को दूसरा झटका। अचानक किया गया अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार। बताया जा रहा है दाऊद से लेन देन का रिश्ता। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में चलती है, उस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कार्रवाई और उसके बाद राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता तथा दिग्गज नेता नवाब मलिक ने लगातार भाजपा, एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और ईडी पर हमले किए थे। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सभी प्लेटफॉर्म पर मुखर होकर नवाब मलिक इन पर हमले कर रहे थे। मगर अब 23 फरवरी सुबह 4:30-5 बजे के करीब नवाब मलिक के घर पर पहुंचकर ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया, ऑफिस लाया, वहां जबरन समन्स पर साइन करवाया और उसके बाद तकरीबन 5 घंटे की पूछताछ की। और फिर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर है नीरज कुमार, इन्होंने घोषणा की कि कानूनी तौर पर प्रक्रिया करते हुए राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया जा रहा है। वजह है कि कुछ दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दाऊद की मृतका बहन हसीना परकार के कुछ ठिकानों पर छापामारी की थी। उसके बाद दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को ठाणे जेल से भी ट्रांजिट वारंट के तहत ईडी ने हिरासत में लेकर फिर गिरफ्तार करते हुए उस पर भी मामला दर्ज किया था। अब ईडी का यह कहना है कि कुर्ला में लगभग 300 करोड़ की एक प्रॉपर्टी महज 55 लाख रुपए में नवाब मलिक ने खरीदी थी वर्ष 2005 में, और इसी जमीनी सौदे को लेकर नवाब मलिक और दाऊद के कुछ गुर्गों के बीच लेन देन हुआ है और उसके सबूत हमारे पास है, ऐसा ईडी का कहना है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि क्या केस बनाया गया है नवाब मलिक के खिलाफ। जो भी सोशल एक्टिविस्ट, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होगा, वो मुखर होकर के बोलेगा, और अगर वो मुस्लिम है तो बहुत आसान है उसका रिश्ता दाऊद से जोड़ देना। बहरहाल इस पूरे मामले में रात के समय मंत्री नवाब मलिक की बेटी नीलोफर और दामाद समीर खान दोनों ही ईडी ऑफिस पहुंचे थे। किस तरीके से वो बाहर ईडी के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वहां से पहुंचने के बाद ऑफिस के दरवाजे तक जाने तक का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग जगह इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। ठाणे मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान के नेतृत्व में भी ठाणे में प्रदर्शन किया गया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एन मनपा चुनावों से पहले फिर एक बार ईडी ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की बुनियादें हिलाने के लिए सीधे सीधे एक मंत्री को गिरफ्तार किया है। 4 महीने में पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख और अब दूसरे अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक। केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार, ये लड़ाई जिसमें ईडी एक बहुत बड़ा हथियार बनी हुई है, किस तरीके से अब ये मामले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अनिल देशमुख अभी भी हवालात में है और पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है। अब नवाब मलिक का क्या होगा, किस तरीके से इस पूरे एक बुरे दौर से उनका परिवार, जो पहले दामाद की गिरफ्तारी में उलझा था और उसका सामना करते हुए गुजरा था, अब सीधे सीधे परिवार के मुखिया की बात आ गई है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ईडी के निशाने पर दिखाई दे रही है, कैसे अब इसकी प्रतिक्रियाएं सामने आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। पता नहीं, हम पहचानते नहीं। हेलो, नाव मलिकांची मुलग्यांनी जावे आला आहे वीज गया लवकर। मॅडम जात मध्ये हे बघे अधिकारी आहेत, हे अधिकारी एक जण इथे राहतो।
आयुष का नाम नीरज कुमार है। नहीं हाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार अपना बल प्रयोग कर रही है, जो महाराष्ट्र की जनता कभी सहन करेगी नहीं। उनको इतिहास मालूम नहीं है कि दिल्ली के तख्त के आगे महाराष्ट्र कभी झुका नहीं और ना ही कभी झुकेगा। ऐसी ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई लाख कर ले, लेकिन महाविकास आघाड़ी 5 साल कार्यकाल पूरा करके रहेगी और माननीय शरद पवार साहब उदय साहब ठाकरे के नेतृत्व में यह सरकार 5 साल चले। ईडी से डराओ, एनसीबी से डराओ या इनकम टैक्स से डराओ, हम लोग डरने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब और उदय ठाकरे साहब, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी, अजित दादा पवार, ये सभी के मार्गदर्शन में यह सरकार 5 साल पूरा करेगी। अरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के साथ बाहर जाके निषेध पढ़ेंगे कि ईडी जाली वे ईडी ईडी जाली वे ईडी। अरे ये सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। केंद्र सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे कर रही है। ईडी कार्यालय के बाहर जा रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र के जनता ईडी से घबराती नहीं है। और ये बात हम लोग स्पष्ट है कि लोग मुंबई कर ये सरकार केंद्र सरकार को जवाब देके ही रही। थाने से कितने कार्यकर्ता जा रहे हैं? थाने से अभी गाड़ियां निकलने शुरू हुई है, अभी हमारे साथ 25 गाड़ी जा रही है और पीछे गाड़ियों का काफिला जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं ने उधर जमा होने की कोई कोई सूचना नहीं है, हम खुद जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब शरद पवार साहब के सामने मामले में नोटिस आई थी, तभी भी हम गए थे। महाविकास आघाड़ी के सरकार के जितने भी खिलाफ ईडी कार्य का उपयोग किया जाएगा, हम निषेध करने के लिए रोड पे रहेंगे। ईडी को आगे करती है, केंद्र सरकार और हमसे डरती है। राष्ट्रपति